gel, that's the lifeline of Kashmir. Right from Virnar up to the culminating point of Sobor. Because now we won't get abundant water. One of the reasons which my learned colleague, Sayyid Wasim, was telling me about. And we are still looking at the necessity of these resources is now our joint responsibility. And you are looking at how such a wonderful and learned colleague, like Sayyid Wasim, as what you did. Because nobody doubts his ability. The first masse should go. Then only you can make an impact upon the community, which is the ultimate target. That's our farming. You want to develop so many systems without the proper irrigation. It's not possible. Our land resources are shrinking. Our water resources are depleted. Imagine that we are shifting to certain other entrepreneurships. That I will be given this round, filled with gold. No water, no food. Our kids, we are survival, we are survival. And we consume food. It comes from myself. और ड्रुप के दायरे में लाएंगे और वी आर होपफुल इंशाल्लाह कि हम इस सिस्टम को जितने भी लॉन्च किए जाएंगे बिफोर द कल्मिनेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर दैट्स 31st of March जो टारगेट दिया गया है वो इंशाल्लाह अभी तक तो 75% से ज़्यादा ही अचीव हुआ है और इंशाल्लाह 25% इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह पूरा किया जाए। सर कन्वर्जन हो आपको जो कन्वर्जन है जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एग्रीकल्चर से हार्टिकल्चर की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन पहले मैं प्रोफेशनली इसका एक जवाब देना चाहता हूं कि कन्वर्जन जो रैंडम है ये इस हमारी टेम्परेट वादी में बहुत देर तक चलेगा नहीं क्योंकि अगर हमारी धान के खेत हैं उसमें हार्टिकल्चर प्लांटेशन कुछ वक्त के लिए सर्वाइव करेगा उसके बाद ही नुकसान का सौदा होगा दूसरी बात है कि इस कन्वर्जन को रुकाने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं रिसेंटली जो हमारे लैंड एक्ट्स हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट आया है और शायद इसी साल के आखिर तक जो 2021 अब शुरू हो रहा है कि यहाँ जो भी प्रोडक्टिव लैंड है खासकर हमारे एग्रीकल्चर की सैफरान की है धान की है मक्की की है सब्जियों की उसको बाकी सेक्टरों में कन्वर्ट करने से पहले चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो चाहे वो दूसरे क्रॉप में शिफ्ट करने के लिए एक ऐसा लाभ बनाया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर रेवेन्यू सारों का पहले NOC हासिल करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद उस लैंड को किसी भी सूरत में कन्वर्ट किया जाएगा अदरवाइज और जो ये फोकसिंग जो अमेंडमेंट लॉज आ रहे हैं इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि इसी साल इनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा उससे हमें दिखाई देता है कि हमारी जो प्रोडक्टिव लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है उसका इंशाल्लाह बेहतर इस्तेमाल होगा और उसके कन्वर्जन में रुकावट पैदा होगी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% रुकावट होगी लेकिन कम से कम 80-90 तक तो हम उम्मीद कर सकते हैं।